के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे दंगल 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 दंगल। रुको जरा, सबर करो। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट व्लॉग। आज का थोड़ा सा व्लॉग स्पेशल तो नहीं बोलूंगा, बट आज हाँ फुल डे करेंगे। आज कहाँ जा रहे हो मम्मी? नहीं घूमने जाना होता आपने, हर बार गाड़ी में व्लॉग बनवा लेते। कहाँ जा रहे हो आज बताओ, कहाँ जा रहे हो? आज तो पीछे बैठे, कहाँ जा रहे हो बताओगे? कि डॉक्टर के पास क्यों मिलने जा रहे हो? हाल चाल पूछने, क्या हाल है डॉक्टर साहब, ठीक हो? आज हम डॉक्टर का चेकअप करने जा रहे हैं, तो बहुत टाइम हो गया डॉक्टर ने हमको दिखाया नहीं है। अच्छा उल्टा बोल रहा, हमने डॉक्टर को नहीं दिखाया तो कि मम्मी के घुटनों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी और इट्स बीन 2 मंथ्स जो नहीं करवाया अभी चेकअप। ऑपरेट के बाद 2 महीने हो गए हैं और अभी भी थोड़ी स्वेलिंग है, तो एक बार जा रहे हैं दोबारा री चेकअप के लिए। अभी यहाँ से निकल रहे हैं, 1 घंटा लगेगा रोहतक तक, वहाँ से हम जीजू को लेंगे। तो आ रहे हैं आज जीजू ब्लॉग के अंदर, या फुल डे ब्लॉग आने वाला है, और उसके बाद वहाँ से दिल्ली निकलेंगे। 1 घंटे का सफ़र है, 1 घंटे के बाद मिलते हैं आपसे। यार रास्ते में और बहुत ज्यादा इतना ट्रैफिक जाम लगा हुआ है कि दिल्ली जाने से पहले रास्ता एक ब्लॉक आता है टिकरी बॉर्डर पे, ये वही फार्मर्स की वजह से वो रास्ता बंद है सारा, तो ये हम ऑफ रोडिंग करते हुए जा रहे हैं। नहीं हो ठीक नहीं हो, आज फॉर्म में भी नहीं है, आज तो पार्क में भी नहीं जा रहे सुबह सुबह। सुबह सुबह तो बड़ी फॉर्म में हो रहा, क्या चाय नहीं बना देखो गाड़ी जीजू। अभी तक हम दिल्ली भी एंटर नहीं करे हैं, बहुत सॉलिड ट्रैफिक जाम लगा हुआ है यहाँ पे। कितनी देर हो गई हमको निकले, हमको ऑलमोस्ट हो गए 2.5 से 3 घंटे हो गए और अभी तक नहीं पहुंचे दिल्ली से। ऑलमोस्ट सिर्फ 2 घंटे का रास्ता और फिर भी 3 घंटे क्रॉस हो चुके हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है दिल्ली में आने की। जानवी रिश्ता तोड़ देगी। मैं साली नहीं बोल दीदी, क्या मांगे थे पेंडर रिंग सर मैंने वाली पेंडर मांग रही है अभी नहीं, अभी तक नहीं थी, ये तो गलत बात है जी। जो अभी तो मिली है मेरे को, मैं अब घर क्यों लेके आया? अच्छा आपने अब तक सेव नहीं करी अपने लैपटॉप में? अच्छा कर आएगा, चलो शुक्र। इधर वाले लोग निकल गए क्या? जी जो आपने 10-15 मिनट की नींद पूरी कर ली है मैंने देखा है, कैसा फील हो रहा है आपको? लग रहा है हल्का सा, वैसे भी बंदा खोल के सो ही रहा होता है, सो रहा होता रोड घूर रहा होता काम तो सो भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है यहाँ से भी, अपने को 1 घंटा आराम से लगने वाला है हॉस्पिटल पहुँचने में। उसके बाद भी पता नहीं ब्लॉक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बट ठीक है अभी सारे बोर हो चुके हैं गाड़ी के अंदर, गाने भी खत्म हो गए सुनने वाले कितने पे। डॉक्टर नहीं आया, डॉक्टर नहीं आया। मेरे को दिखाने लगे जाओगे? तो अभी बाहर आए हैं क्लिनिक में से डॉक्टर के, एंड शी इज सिटिंग हियर। तो डॉक्टर ने बोला अभी तो सब कुछ ओके है, स्वेलिंग आती है थोड़ी सी, वो तो देखो बनता है,
इतनी कोई दिक्कत नहीं है, आफ्टर टू मंथ्स के बाद आप थोड़ी सी सेटिस्फाई हो गए नहीं ये सुन, तो अभी यहाँ पे ना बहुत सारे लोग हैं तो हम इतनी तेज बोल नहीं सकते, हॉस्पिटल है यार। बट एनीवेज जो स्वेलिंग वगैरह थी मम्मी की अभी वो बहुत बेटर है, आती है इतना क्योंकि वॉक के टाइम पे जो सुबह हम पार्क जाते हैं जो आप ब्लॉग देखते हो वो इसलिए वो वॉकिंग की वजह से होती है। बट देखो करनी है एक्सरसाइज, ठीक है अभी यहाँ से हम निकलते हैं दीदी के लिए, यहाँ से ब्राउनी लेके चलनी है, बहुत फेमस है यहाँ की ब्राउनी इस हॉस्पिटल की कैंटीन की। अभी जीजू गए हैं बाहर मेडिसिन वगैरह लेने, तो उसके बाद अभी निकलते हैं, चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से। हमें लेनी है ये वाली ब्राउनी, ये दीदी की फेवरेट है, ब्राउनी कर दो, दो कितना दो ग्राम था, टेस्टी है बहुत टेस्टी है, मेरे को लगे भूख वाली मैगी कह रहे हो, चुप्पा नूडल्स या कप्पा नूडल्स चलो जो भी है टेस्टी है, ये होनी चाहिए, नहीं खाना पता नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो नहीं मैंने खाया ना, मैं यहीं पे रहूँ भाई मैं एक हफ्ता पूरा, तो अंकल दो कर दो ये और हैप्पी पियोगे आप भी, नहीं नहीं दो ले आता हूँ, एक पोहा ले आता हूँ, ठीक है पोहा अच्छा नहीं है, मुझे बेटर नहीं लगता, दीदी के टेस्ट वाला देख लो आप, मम्मी को पसंद आएगा दीदी का टेस्ट, मम्मी का टेस्ट कैसा है ले लो, चलो ले दो ब्राउनी कर देना। हॉस्पिटल के फेमस कैंटीन है और यहाँ एक हफ्ता रहा हूँ, मतलब जिसको चप्पा नूडल्स एक ये नूडल्स कप नूडल्स और ब्राउनी दीदी की फेवरेट, हम लोगों ने यहाँ एक वीक में ये कप नूडल्स और ये ब्राउनी ही खा खा के पेट भरा और इतनी आदत हो गई है, यहाँ जब भी आते हैं इस हॉस्पिटल में तो ये लेके जाते ही जाता हूँ, अंकल को भी मेरी शक्ल याद हो गई है, देख के बुला देते हैं आजा भाई लेके जाते आगे खुल गया चलो। मम्मी और जीजू अभी है अंदर और मैं बाहर आया हूँ पार्किंग के अंदर, गाड़ी आ रही है बस यहाँ से निकल रहे हैं, डॉक्टर को दिखा लिया, मतलब डॉक्टर को हमने देख लिया, डॉक्टर फिट है बढ़िया एकदम, अब यहाँ से निकल रहे हैं जस्ट 5 मिनट के अंदर और काम। आज निखिल का है बर्थडे तो यहाँ से फटाफट घर पहुँच के मेरे को उसके लिए केक लेके जाना, तो देखते हैं पार्टी शार्टी हो तो, यहाँ बहुत ज़ोर से धूप है और मैं गाड़ी का वेट कर रहा हूँ, आ जाए भाई कहाँ रहिए और इन लोगों को इतनी आदत तो रखी है स्कूटी के ऊपर हंसते हंसते चल रहे हैं, इनको ट्रैफिक जैम से कोई रिलेशन नहीं है, तो हम तो बैठ के ढूंढो बात तो सही है, खुशियां खुशियां ढूंढो, सही बात है खुशियां ढूंढो, गम में भी खुशियां ढूंढो। जी मास्क नहीं उतारोगे फिर आज, मेरे को पता क्या चलेगा आप हंस रहे हो या फिर मजाक उड़ा रहे हो मेरा, मैं आपके एक्सप्रेशन देख के उतार सकती, दोनों गॉगल्स लगा रखे हैं आंखें नहीं दिख रही मेरे को, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा बात तो ये पहले इतना काम करा था उसको, तुमने बार बार काम कराया 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 वो अब खिंच चुका, उसकी लेंथ नहीं है, ट्यूब ट्रैक है जो पहले 100% वर्किंग है ना, कोई भी ऐसी सर्जरी या फिर एक्सटर्नल करने के बाद है ना वो 80-90% तक लेके जा सकते हो, 100 तो कभी नहीं जाएगा, वो 10-20% पेशेंट पे होता है, लैग नहीं वो पेशेंट का नहीं वो लैग रहता है उसके साथ, आपको लिव ऑन करना पड़ता है कि हाँ इतना लैग चीज का रहेगा, नया नॉर्मल बनाना पड़ेगा, मेरा न्यू नॉर्मल, मेरा न्यू नॉर्मल ये है, मेरा 90% वर्किंग काम जो है ना वो नॉर्मल है, जानवी ने थोड़ी टाइम अभी डाल लिया 2-3 अच्छा अब बताते दो चीजों, देखो दोनों चीजों बता रहे थे अभी, हाँ जीजू ने जितनी भी जानवी की और मोहिशा की वो रील्स देखी है ना, अब देखो जीजू फ्लिप मार रहे हो अभी, जीजू कह रहे हैं जानवी की जितनी भी रील्स देखी है ना मैंने कसम से, लाइन तो पूरी कर रहा हूँ जीजू कह रहे हैं लास्ट की जो 10-12 देखी मैंने तो वॉल्यूम ही नहीं करी, मेरी पता नहीं ऐसी आदत हो गई है कि मैं ना वॉल्यूम ही नहीं करता हूँ, अच्छा 4-5 वो तो सही है, 4-5 भी ज्यादा बोलता, चलो बंद कर देता हूँ आप बता दो, जानवी के मुंह में पट्टी बांध दूंगा अपलोड के 10 दिन तक, 10 दिन बाद फट लगी नहीं सच बात है जीजू ने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो जानवी की तो वैसे नहीं देखते होंगे, तो जानवी की अच्छी होती थी, अच्छी होती, मतलब आप मेरे साथ बैठे तो मैं तो लक्ष्य तो नाराज होएगा नहीं इसको तो मना लूंगा यार, देखो बोल दो दिल से बोल दो अच्छा लग रहा है जी, सच कुछ हो रहा ना, जानवी की ज्यादा अच्छी होती है, मैं बनाते ही कहा रील, ये तो अच्छी थी बेबी आर यू फाइन,
जीजू आई फाइन अभी तक चलो फिर ठीक है, बंद कर दो ना कैमरा, ऑन तो पूछ के भी ऑन करता है तो 60-70 की स्पीड भी क्रॉस कर दो तो भी चलान काट देते हैं ना, चलान कटे तो दुखी मत होना भाई, इन चीजों का भी कट चुके हैं 12,000 ना तो ज्यादा बता दिए चीजों भूल जाते हैं, ओ माय गॉड कैमरा ऑन था यार तो अभी बस फंसे उसी ट्रैफिक जाम के अंदर और यहाँ से अभी तक निकल नहीं पाया, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम है इधर। अभी जीजू मेडिसिन लेने गया मम्मी के लिए, मम्मी की तबीयत हो रही है खराब, ऐसी सी जगह के ऊपर कहीं पे कुछ तो मेडिसिन वगैरह भी नहीं मिलती है। तो अभी रुके हैं हम यहाँ पे ढाबे के ऊपर और थोड़ा सा मम्मी को भी फ्रेश वगैरह होना था, बहुत लंबा सफ़र हो गया था तो रुकना भी, ब्रेक लेनी भी थोड़ी सी ज़रूरी होती है। ये तो वो शादी वाले कैमरामैन की तरह है तो मोस्ट एम्बैरेसिंग पोजीशन में ये खड़ा होगा वहाँ पे वीडियो बनाने। पग पग प्यारे दंगल 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 दंगल। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट व्लॉग यार, व्लॉग गाइस आप चेंज हो गए तो अच्छे से देख लो भाई शक्ल, जिसको जीजू 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 चाहिए था ना व्लॉग में, दीदी तो है नहीं, खूब जीजू तो आएगी सारा ठान बाय। दीदी इधर तो आओ, मुझे तेरा भाई ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है, आवाज आ गई, आवाज आ गई भैया, बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं देते हो, गलत गलत। देख लो भाई दोनों आ चुके, हम जो आपको दीदी जीजू दोनों चाहिए थे दोनों आ चुके, जानवी के मैंने ना 10-12 उसकी रील जैसी देख 10-12 और दूसरा एक तो तेरी बहन नहीं होती ना साथ में, मैं बहुत रिलैक्स रहता हूँ, कोई टेंशन नहीं होती, ये सच है, अब लोग आ रहे देख लेना, अच्छी अच्छी डालेगा हम भी बनवाएंगे, नहीं तो अगली बार बुरखा पहन के आ जाएंगे। बाय बाय भाई, बाय बाय बाय, स्लो मोशन में जीजू। को मैं फाइनली पहुंच चुका हूं घर पे और कोई बात नहीं, कोई भी नहीं, इधर इधर तो देख, इधर देख, नहीं मैं अच्छी नहीं लग रही, सुन तो मैं कहाँ जा रहा हूँ ये तो बताती जा, निखिल के पौधे पे, देखो मैं पहुंच चुका हूँ घर पे और अब मैं जा रहा हूँ एक बार निखिल के घर उसको सरप्राइज करने के लिए, एंड हियर इज शी, हैप्पी बर्थडे निखिल, ये तो मैं भी बोल रहा था, निखिल को बोलियो कि मेरे लिए टॉफी लेकर आएगा, चलो ठीक है टॉफीज लेके आएगा, चलो चलता हूँ मैं, ठीक है भाई निकल रहे हैं अभी निखिल के घर, आज उसका बर्थडे बोला था, कितना टाइम हो गया भाई, हमारे सब भाई साहब आए साथ में, बॉडी जोड़ी बना लिया देख रहे हो क्या टाइम हो, टाइम भाई 8:15 हो गया हमारे पास, ये हमारी एनफील्ड भैया, ऐसा कि एक दिन मुंह में मारने में उतरे ना, 4 बार धोना पड़े ब्लैक फॉरेस्ट वही फर्स्ट वाला ये कर दो पहले वाला। मंगलम मंगलम ओम मंगलम मंगलम ओम मंगलम 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 ओम मंगलम मंगलम लाइक करो चा, शेयर करो चा, सब्सक्राइब करो चा, कर दो।